पहले को मारूंगा। मैं 4 बजे तक बैठा, कोई इंसाफ नहीं मिला। द हिंदुस्तान गजेट की न्यूज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। यहाँ पे इस वक्त इतनी बड़ी वारदात हो गई है कि लखनऊ में अभी तक किसी को खबर भी नहीं है। हम आपको बता दें, लखनऊ के विकास नगर थाने का कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह ने एक युवक जिसका नाम था अमन कुमार, उम्र तकरीबन 25 साल थी, एक जागरण होने वाला था, उसको लेकर के वो चंदा मांग रहा था। उसी दौरान पार्क में कुछ लोग जुआरी जो है जुआ खेल रहे थे और उसको भी साथ में पकड़ लिया। बिना पूछे बिना तहकीकात के उसको पकड़ा और विकास नगर थाने में ले जाते वक्त इतना मारा, रास्ते में इतना मारा कि उसकी थाने में ही मौत हो गई है। मैं इस वक्त विकास नगर में खड़ा हूँ, सेक्टर 8 में लेबर चौराहे पर। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ दरअसल पैसों से बुलाई भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जिस लड़के को, अमन कुमार को, वो पुलिस वालों ने इतना मारा कि थाने में ही उसकी मौत हो गई है। इंसाफ के लिए यहाँ पे भीड़ एकत्रित है, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं शैलेंद्र कुमार के ऊपर, जो विकास नगर थाने में बता दे फिर से कि कांस्टेबल है। इन लोगों का, परिजनों का यह आरोप है कि सुबह 4 बजे तक ये लोग धरने पर बैठे रहे लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। अभी तक पुलिस आला अधिकारी की तरफ से कोई भी अफसरान नहीं आया है कि इन लोगों का जो पीड़ित है, इन लोगों का दर्द या इन लोगों की फरियाद सुन सके। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत दुखद घटना है अपने आप में। बता दें कि अमन कुमार के माता पिता भी नहीं है, तो उनकी जो सास है उनका रो रो कर बुरा हाल है कि ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 25 साल या 26 साल की उम्र बताई जा रही है जिसको लेकर के यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। हमारे देवर को मार दिया गया, अब बताओ हम कहाँ से लाश थी मम्मी, वो पापा पापा चिल्ला रहे, हमसे कहे मम्मी पापा को ला के दो, पापा मेरे कहाँ गए, हम लोग क्यों हो रहे, अब उसे हम क्या बताएगा, पापा को क्या हुआ, वो तो मार के चला गया, वो हमको मिल जाए तो हम कहाँ डरेंगे, जैसे हमारे देवर को मारा है, इंसाफ चाहिए था, आप इंसाफ दिलाएंगे, आप इंसाफ दिलाएंगे, ये बच्ची है, बेटी का बार बार पापा पूछ रही है, अब बताओ सर हम कहाँ से लाएंगे, पूछ रही पापा कहाँ है, बताओ पूछो सर से लाएंगे, सर पुलिस वाले को बताएंगे, देखिए इस वक्त जो घटना हुई है लखनऊ में, ये बच्ची है, कितनी मासूम सी प्यारी सी बच्ची, देखिए 4 साल की अभी है और इसके पिता की पुलिस वालों ने मार मार कर बेरहमी से हत्या कर दी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि अभी तक पुलिस का कोई भी आला अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, जबकि करीब 24 घंटे अभी होने वाले हैं। हमको इंसाफ चाहिए, हमको लेके हमको मारेंगे, हमने मारा बात है या मारेंगे, हमको उसको मार जाएंगे, हमको लौटा के दे दे, जिंदा करके दे दे, हमारे हम आपको जिंदा कर दे, ये पूछती बताओ क्या जवाब दे इसको, क्या जवाब दे, वो छोटी सी बच्ची देख रहे हैं उसके क्या हाल है, वो कहाँ लाइफ क्या करेगी, वो बहुत छोटी सी वो क्या करेगी, कहाँ तक खिलाएगी उनको, क्या खिलाएगी, वो तो तुम तो अपना काम करके मार के चले गए, उसको मार डाले भाई को, उसके बाप को मार के क्या मिल गया, अरे कोई भाई नौकरी वाला होता, पैसा वाला होता तो पुलिस वाले क्या सब आते दौड़ दौड़ के आते, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। वहाँ पे क्या बोलिए, बोलो पापा मेरे पापा ला के दो, बोलो मेरे पापा कहाँ है, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग न्याय चाहिए, हम लोग न्याय चाहिए, इंसाफ दिलवाओ, अब बताओ हम लोग क्या करेंगे, कैसे इन लोगों को पालेंगे, हम लोगों को सुनने वाला भी कोई नहीं है, सुनने वाला भी कोई नहीं है, हम लोग हाथ लाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे साथ है सर, इंसाफ चाहिए, लड़की का मवाजा चाहिए, इंसाफ चाहिए, इसको मवाजा चाहिए, इंसाफ चाहिए, ये बच्ची क्या करेगी, ये छोटी बच्ची क्या करेगी, ये चाचा नहीं चलेगा,
पुलिस के साथ नहीं चलेगा। पुलिस ने बहुत गद्दारी कर रहा है, पुलिस सुन नहीं रही, पुलिस भगा रही है, पुलिस सुन नहीं रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कल मेरे भाई से 9:05 पे मेरी बात हुई, वो नॉर्मल उसने मुझसे बात करी, वो जैसे कहा कि दीदी आप घर कब तक आएंगे, मैंने कहा भाई आधे आधा एक घंटे में घर पहुंच रही हूँ। ठीक, मैं करीबन 10 बजे करीब घर यहाँ पे आए हैं हम, तो रोज की तरह खाना वाना खा करके अपना टहलने वहलने गया वो, और वहाँ पे वो अपना सोचा चंदा अंदा भी कटवा लेंगे जागरण के पर्पज से। तो वहाँ पुलिस 112 नंबर टीम पहुंची, उन्होंने वहाँ पे जो भी 5-6 लड़के थे जो भाई अपराधी थे, जो भी घटना वहाँ पे हुआ जो भी कर रहे हो वो तो बाहर निकले, उसने कहा हमने कुछ किया नहीं, तो वहाँ पे मौजूद था, तो वो उसको पकड़ के उन लोगों ने मारा। ऐसी क्या नर उसके नर से मारा, क्या उसके वो किया कि वो उसको तुरंत ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मुझे इस चीज का न्याय चाहिए, पुलिस वालों ने उसे मारा है, मुझे उसकी 3 साल की बच्ची उसके लिए मुआवजा चाहिए। इन्होंने मारा है, हाँ ठीक है, तो क्या नाम उसका? शैलेंद्र सिंह नाम है उसका। शैलेंद्र सिंह नाम है, एसआई है? नहीं नहीं सिपाही है, 112 नंबर टीम से था वो। 112 नंबर टीम से था जी। जो नंबर है गाड़ी का वो क्या नंबर है? UP 32 DG 48 G30। जब उसने मारा तो आपने उससे कुछ कहा नहीं कि हमारे भाई को क्यों मार रहे हो? हम लोग मौके वारदात पे नहीं थे, कोई भी नहीं, कोई मौके वारदात पे नहीं था। आपको सूचना कैसे मिली कि ये घटना हो गई? सूचना ये हमको मेरे भतीजे ने दी। आपके भतीजे ने? वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था मामानगर सिविल में, उसको वहाँ पे हॉस्पिटल किससे पहुँचाया था? वहाँ पे 112 नंबर पुलिस वालों ने ही पहुँचाया था जी, उन्होंने पहुँचाया वहाँ पे, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। मामानगर सिविल लेके गए आप वहाँ पे, डॉक्टर लोगों ने वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। मेरे पास मेरे भतीजे का कॉल आया कि चाचा के साथ ये घटना हो गई, पुलिस वालों ने उनको मार दिया। हम लोग वहाँ से तुरंत पहुँचे महानगर सिविल, वहाँ से उनको ट्रांसफर लोहिया हॉस्पिटल कर दिया गया। वहाँ से लोहिया हॉस्पिटल कर दिया जी, हम लोग लोहिया हॉस्पिटल पहुँचे। लोहिया हॉस्पिटल पहुँच के वहाँ पे हमने वहाँ पे डॉक्टर ने 2 बार उसका चेकअप किया, ट्रीटमेंट किया, उन्होंने भी तुरंत मृत घोषित कर दिया जी। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने जो है पोस्टमार्टम से सुबह से पहले तो हम लोगों ने जब वहाँ हॉस्पिटल गए हैं तो उन्होंने कहा कि 11-12 बजे तक जब थाने से हमारे पास पुलिस वाले आएंगे तब पंचनामा होगा, उसके बाद ये बॉडी आपके पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। तब हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे थाने पे पहुंचे, हमने कहा तुरंत के तुरंत मुझे पोस्टमार्टम करवाना, हम दोपहर तक इंतजार नहीं कर सकते हैं अपने पेशेंट का। फिर हम लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में कम से कम 3-4 घंटे तक वेट कराया कि ये लिखा पड़ी हो रही, वो लिखा पड़ी हो रही। अब उनका कारण कार्यवाही इतना तो हम लोग को नहीं पता है भाई कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो भी लिखित कार्यवाही करी वहाँ पे 3-4 घंटा हम लोग को रखा। फिर किसी अधिकारी को बुलाया, ADCP को, उनके आने के बाद फिर बॉडी को आपको मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है।